होल पार्ट है 2, 18, 20, 19. सो 2 is less than 18 इज लेस देन 19 इज लेस देन 20. Thus, 2 is less than 18.09, is less than 19.1, is less than 20.03. Let us solve one more question. Question number 6. Add the following. Let us add 12.732 and 14.08. तो सबसे पहले हम इन्हें लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे. तो यहाँ पे 12.732 में डेसिमल पार्ट में 3 डिजिट हैं और यहाँ पे 14.08 में डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट्स हैं. तो सबसे पहले हम 14.08 को भी 3 डिजिट्स में लिखेंगे डेसिमल पार्ट को. तो 14.08 के डेसिमल पार्ट को हम 3 डिजिट में कैसे लिख सकते हैं? हम 08 के पीछे एक 0 लगा देंगे. सो वी गेट 12.732 प्लस 14.080. अब हम इन्हें ऐड करेंगे. तो ऐड करने के लिए पहले हम इन्हें ऐसे अरेंज करते हैं कि डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आए, फिर हम इन्हें ऐड करेंगे. तो जैसे हम नॉर्मली ऐड करते हैं, हम वैसे ही ऐड करते हैं. 2 + 0 2 3 + 8 11 1 1 कैरी 7 + 1 8 + 0 8. डेसिमल पॉइंट के नीचे हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे. 2 + 4 6 1 + 1 2. सो वी गेट 26.812. Let us solve one more question. Question number 7, subtract. Let us subtract 42.6 from 852.49. So, sabse pehle hum inhe like decimal mein convert karenge. 852.49 ke decimal part mein 2 digit hain aur 42.6 mein decimal part mein 1 digit hai. To hum 42.6 ke decimal part mein 2 digit place karenge. To hum kaise karenge? Hum 6 ke baad ek 0 laga denge. So we get 852.49 minus 42.60. अब ये भी इसका भी डेसिमल पार्ट 2 डिजिट में हो गया. अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो सबसे पहले हम अरेंज ऐसे करते हैं कि डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट है, फिर हम जैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं हम वैसे ही करेंगे. 9 - 0 9. अब 4 6 से छोटा है तो हम बोरो लेंगे. 2 1 बन जाएगा और 4 14 बन जाएगा. 14 - 6 8. अब यहाँ पे 1 है, 1 2 से छोटा है तो हम बोरो लेंगे. 5 4 बन जाएगा और 2 11 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 था तो 11 बन जाएगा. 11 - 2 9. 4 - 4 0 8. सो आर आंसर इज 809.89. लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8, सिंप्लीफाई. 53.8 प्लस 16.37 माइनस 23.609. लेट अस सिंप्लीफाई. तो सबसे पहले हम इन्हें लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे. तो यहाँ पे हमारे डेसिमल पॉइंट में डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स गिवन है. यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 डिजिट्स गिवन है. तो यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ डिजिट डेसिमल पॉइंट के बाद है 3. तो हम इन सब के डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे. तो 53.8 को हम डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट कैसे लगाएंगे? हम 2 0 प्लेस कर देंगे. सो वी गेट 53.800 प्लस 16.37 है तो हम 37 के बाद एक 0 लगा देंगे. 16.370 माइनस 23.609. अब सबसे पहले हम एडिशन करते हैं. तो सबसे पहले हम 53.800 को ऐड करेंगे 16.370 से. तो हम ऐड जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे और हम ऐसे अरेंज करते हैं कि डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आए. 0 + 0 0, 0 + 7 7, 8 + 3 11 1 1 कैरी, 3 + 6 9 + 1 10 0 1 कैरी, 5 + 1 6 + 1 7. सो वी गेट 70.170. अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 23.609 से. 70.170 माइनस 23.609. यहाँ पे 0 है, 09 से छोटा है तो हम बोरो लेंगे. 7 6 बन जाएगा, 0 10 बन जाएगा. 10 - 9 1, 6 - 0 6. अब यहाँ पे 1 है, 1 6 से छोटा है तो हम बोरो लेंगे. यहाँ पे 0 है तो हम 7 से बोरो लेंगे. 7 6 बन जाएगा, 0 10 बन जाएगा. अब इसको 1 को बोरो देना है तो 10 9 बन जाएगा और 1 11 बन जाएगा. 11 - 6 5, 9 - 3 6, 6 - 2 4. सो आर आंसर इज 46.561.
सो आर आंसर इज 46.561. लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9, मल्टीप्लाई ए 22.96 बाय 6. तो हम जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, हम वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 22.96 इंटू 6. 6 6 जा 36, 6 3 कैरी, 6 9 जा 54 प्लस 3 57, 7 5 कैरी, 6 2 जा 12 प्लस 5 17, 7 1 कैरी, 6 2 जा 12 प्लस 1 13. अब यहाँ पे दो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा है, तो हम यहाँ पे भी दो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा देंगे. सो आर आंसर इज 137.76. लेट अस सॉल्व वन मोर. 18.54 बाय 7.2. लेट अस सॉल्व. तो सबसे पहले हम जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, हम वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 18.54 मल्टीप्लाइड बाय 7.2. टू फोर ज़ा 8, टू फाइव ज़ा 10, 0, 1 कैरी. 2 8 ज़ा 16 प्लस 1 17, 7, 1 कैरी. 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3. अब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. हम यहाँ एक जीरो प्लेस कर देंगे और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे. 7 4 ज़ा 28, 8 2 कैरी. 7 5 ज़ा 35 प्लस 2 37, 7 3 कैरी. 7 8 ज़ा 56 प्लस 3 59, 9 5 कैरी. 7 1 ज़ा 7 प्लस 5 12. Now let us add 8 plus 0, 8, 0 plus 8, 8, 7 plus 7, 14, 4, 1 carry. 3 plus 9, 12 plus 1, 13, 3, 1 carry. 2 plus 1, 3, 1. अब यहाँ पे हमें decimal point दो digit के बाद दिया है और यहाँ पे हमें decimal point एक digit के बाद है. तो हम क्या करेंगे, sum of decimal places. यहाँ पे दो digit के बाद है, टू प्लेसेस के बाद डेसिमल है और यहाँ पे वन प्लेस के बाद डेसिमल है. तो हम इनको ऐड करेंगे, टू प्लस वन इक्वल्स टू थ्री. तो हम थ्री प्लेसेस के बाद डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, वन टू थ्री. अब हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा देंगे. दस 18.54 इंटू 7.2 इज इक्वल्स टू 133.488. लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन. लेट अस मल्टीप्लाई 3.7254 बाय 10. तो 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम डेसिमल पॉइंट को राइट हैंड साइड वन प्लेस शिफ्ट करते हैं. तो हम इस डेसिमल पॉइंट को राइट हैंड साइड से वन प्लेस शिफ्ट करेंगे, दैट इज हम 7 के बाद डेसिमल पॉइंट लगा देंगे. सो आर आंसर इज 37.254. लेट अस सॉल्व वन मोर. 49.1 इनटू 100. अब 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम डेसिमल पॉइंट को दो प्लेसेस राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं. तो हमने एक प्लेस शिफ्ट की तो हमें 149 मिल गया. अब यहाँ पे एक और नंबर नहीं है तो हम एक और प्लेस शिफ्ट करेंगे तो हम एक ज़ीरो लगा देंगे. सो आर आंसर इज 4910. हमने दो प्लेस शिफ्ट कर दिया तो हमें मिल गया 4910. लेट अस सॉल्व वन मोर. लेट अस मल्टीप्लाई 15.128 बाय 1000. अब 1000 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम डेसिमल पॉइंट को थ्री प्लेसेस राइट में मूव करते हैं. तो वन प्लेस, टू प्लेस, थ्री प्लेस. तो हम एट के बाद पॉइंट लगाएंगे, दैट इज 15,128. तो हमें ये मिल गया आंसर में. लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10, डिवाइड. लेट अस डिवाइड 7,074.2 बाय 14. सॉल्यूशन 7,074.2 डिवाइडेड बाय 14. 14 फाइव ज़ा 70, 70 माइनस 70 ज़ीरो. अब हम इस 7 को नीचे लिखेंगे. 7 14 से छोटा है तो हम यहाँ पे एक ज़ीरो पुट करेंगे और इस 4 को भी नीचे लिख लेंगे. सो वी गेट 74. 14 5 ज़ा 70, 74 माइनस 70 4. अब यहाँ पे पॉइंट आ गया तो हम पॉइंट लिखेंगे. अब हम इसे 74 माइनस 74. अब हम इस 2 को नीचे लिखेंगे. 14 3 ज़ा 42, 42 माइनस 42 ज़ीरो. सो आर आंसर इज 505.3. So our question is 505.3. Let us solve one more. 77.792 by 13. Let us divide 77.792 by 13. 13 5s are 65. 7 minus 5, 2. 7 minus 6, 1. अब यहाँ पे point आ गया तो हम एक यहाँ पे भी decimal point put करेंगे. फिर हम इस 7 को नीचे लिखेंगे. 13 9 ज़ा 117, 7 माइनस 7 ज़ीरो.
टू माइनस वन वन, अब हम इस 9 को नीचे लिखेंगे। अब 13 8 जा 104, 109 माइनस 104 5, अब हम इस 2 को नीचे लिखेंगे, 13 4 सा 52 0, तो हमारे रिमाइंडर में 0 आ गया। सो आर आंसर इज 5.984, दैट इज आर क्वेश्चन इज 5.984। लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। लेट अस डिवाइड 436.23 बाय 10। तो 10 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डेसिमल पॉइंट को वन प्लेस लेफ्ट में मूव करते हैं। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, तो हम इसे वन प्लेस मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लिखेंगे। सो आर आंसर इज 43.623। लेट अस सॉल्व वन मोर। लेट अस डिवाइड 4182.5 बाय 100। तो 100 से डिवाइड करने के लिए हम डेसिमल पॉइंट को टू प्लेसेस मूव करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो पहले हमने वन प्लेस मूव किया, फिर हम सेकंड प्लेस मूव करते हैं, दैट इज हम 41.825 हमारा आंसर होगा। सो वी राइट 41.825। लेट अस सॉल्व वन मोर। लेट अस डिवाइड 446.26 बाय 1000। अब 1000 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डेसिमल पॉइंट को थ्री प्लेसेस मूव करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, वन प्लेस सेकंड प्लेस थर्ड प्लेस, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। सो आर आंसर इज 0.44626। लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्रेस द फॉलोइंग अमाउंट्स ऑफ मनी इन डेसिमल्स। ए 61 रुपीज 25 पैसे। वी नो दैट 100 पैसे इक्वल्स टू 1 रुपी, सो 1 पैसे इक्वल्स टू 1 बाय 100 ऑफ अ रुपी, दैट इज 1 पैसे इक्वल्स टू 0.01 रुपीज। हम 1 पैसे को लिख सकते हैं 0.01 रुपीज। लेट अस सॉल्व 61 रुपीज 25 पैसे। अब इसको हम डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 61 रुपीज है तो हम रुपीज का सिंबल लगाएंगे और हम फिर 61 लिखेंगे, फिर हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और हम 25 पैसे में हैं तो हम फिर 25 लिखेंगे, क्योंकि वी नो दैट वन पैसे इक्वल्स टू 0.01 रुपीज, 25 पैसा इक्वल्स टू 0.25 रुपीज, तो इसको हम लिख सकते हैं 61.25। पॉइंट के जो राइट हैंड साइड में होता है वो पैसे होते हैं, जो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वो रुपीज होते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 61.25 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन रुपीज एंड पैसे। ए 64.44। अब हम इसे रुपीज़ और पैसे के फॉर्म में लिखेंगे, जो डेसिमल पॉइंट है उसके राइट हैंड साइड पैसे होते हैं और डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड रुपीज़ होते हैं, तो ये है रुपीज़ 64 रुपीज़, तो लेफ्ट हैंड साइड में 64 है, सो वी राइट 64 रुपीज़, और राइट हैंड साइड में 44, सो वी राइट 44 पैसे। लेट अस सॉल्व वन मोर। 65.06। तो डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड पैसे होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड रुपीज होते हैं, तो 65 लेफ्ट हैंड साइड है तो वी राइट 65 रुपीज, एंड 06 राइट हैंड साइड में है तो वी राइट 6 पैसे। सो आर आंसर इज 65 रुपीज 6 पैसे।